तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? फिर भी आज जो हमारी क्लासेस होगी वो टेली के विषय में है, और टेली के विषय में जो क्लास आज होने वाली है वो डायरेक्ट हम लोग एक मैथ को लेकर चलेंगे, और इस मैथ में हमारा जो वर्क होगा वो वर्क है विथ इन स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट के अंदर का काम। ठीक है, इंट्रा स्टेट का अंदर के काम को हम लोग कैसे सिस्टम के अंदर टेली ERP 9 के अंदर हम लोग इनपुट करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी आ रही है, ये डेमो लेवल की क्लासेस है बच्चे, तो डेमो लेवल की क्लासेस अगर आपको पसंद आएगी तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट के माध्यम से www.anishafoundations.co.in के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस की लाइव क्लासेस आप जो है ले सकते हैं, और हमारा वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलती है, उससे भी कर सकते हैं। मात्र 999 रुपये में आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशंस कर लेते हैं, सारी कंपनी क्रिएशंस कर लेते हैं। तो मेरी जो, अगर किसी भी कंपनी का सबसे वाला चीज़ नाम होना चाहिए, मान लीजिए सुनील ट्रेडिंग, सुनील ट्रेडिंग नाम का हमारा क्या है, कंपनी है, और वो जो है बारसोई में है। हम इनपुट कर दे रहे हैं, और यह बिहार स्टेट को सिलेक्ट करते हुए हम सारा इन्फॉर्मेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, कि मैंने एक कंपनी क्रिएशंस किया है। कंपनी क्रिएशंस करने के बाद आप, हम लोग क्या करेंगे, F11 को प्रेस करते हुए हम लोग फीचर्स पे जाएंगे। फीचर्स के अंदर एक पॉपअप खुलेगी, पॉपअप के अंदर हम लोग स्टेशनरी एंड टेक्सटन के अंदर जाकर हम लोग इंटरफेस करेंगे, और यहाँ से हम लोग GST एनावेल कर देंगे, GST को एक्टिवेट कर देंगे, और यहाँ से हम लोग GST नंबर जो है इनपुट कर देंगे। मान लीजिए एक GST नंबर है जो हमने इनपुट कर रहा है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के माध्यम से हम ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम एजुकेशन पर्पस के माध्यम से ये GST नंबर आपको प्रोवाइड करते हैं, इसकी हम प्राथमिकता नहीं लेंगे कि ये रेगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने GST नंबर इनपुट कर दिया, करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। देखेंगे कि हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। अब हमारी दो काम हो चुकी है कंपनी के अंदर। सबसे पहला कंपनी के अंदर हमने कंपनी क्रिएशंस किया है, उसके बाद हमारा दूसरा काम जो था हमारा, वो GST को एक्टिवेट करने का, मैंने GST एक्टिवेट कर दिया। अब हमारा तीसरा जो काम होगा वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग लेजर्स को क्रिएट करेंगे। तो लेजर्स जो क्रिएट करेंगे उसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला हमारा लेजर होगा कैपिटल अकाउंट, जो आप कैपिटल अकाउंट्स के अंदर रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा जो हम लोग सामान का परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स अगर हम कर रहे हैं तो गुड्स का बना रहे हैं, ये हमारा परचेज अकाउंट्स के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एस, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स देकर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये सामान हमने गुड्स लिया। ठीक है, अब हम जो है, ये दो हमारी लेजर्स बन चुकी है, कैपिटल्स की और जो मैं सामान खरीद रहा हूँ परचेज कर रहा हूँ उसकी लेजर्स बन गई। एक कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट को हम बना देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिए। और एक हमारी है सैलरी, सैलरी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख दे रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी जो लेजर्स बनने वाली है वो अब बनेगी एक IGST। IGST का जो आएगा वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आती है, ड्यूटी एंड टैक्सेस को यहाँ से GST को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सेलेक्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक CGST बनेगी ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, यहाँ से GST को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ से सेंट्रल टैक्स को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, SGST।
SGST भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगी। यहाँ से GST सेलेक्ट करते हुए हम लोग स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करते हुए हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारी दो चीज़ बन गई है। अब हम चलते हैं एक सिंडिकेटर्स जिससे हमारी माल परचेज होती है, तो एक SC ले रहे हैं और SC को हम लोग क्या कर रहे हैं सिंडिकेटर्स के अंदर रख रहे हैं, SC के अंदर रख रहे हैं। किसके अंदर रख रहे हैं? सिंडिकेटर्स के अंदर रख रहे हैं। और सिंडिकेटर्स के अंदर रख कर यहाँ पर उसकी फिलअप हो जाएगी और ये जो सेंटर जो हमारा जो जिससे हमारी परचेज हो रही है उसके GST नंबर यहाँ पे इनपुट कर देंगे। रेगुलर कस्टमर है, हमारी माल वहाँ से रेगुलर आ रही है, तो एक GST नंबर हम फॉर एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से इनपुट कर रहे हैं। बाकी बात आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने एजुकेशन पर्पज़ से GST नंबर हमने SC का रख दिया जहाँ से हमारी माल परचेज होती है। अब एक SD का हम बना ले रहे हैं, SD सैंडी डेबिटर्स के अंदर आएगी। अब सैंडी डेबिटर्स को भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्टेट बिहारी है, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है इसलिए हम लोग बिहार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ से GST नंबर उनका भी हम, ये भी हमारा रेगुलर है जिसको हम बेच रहे हैं माल रेगुलर हमारा, वहाँ का भी GST नंबर दे देते हैं। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारा माल जो आ रहा था परचेज इन सेल्स का, तो एक हम क्या कर रहे हैं परचेज की हम लोग क्या कर रहे हैं परचेज की लेजर्स बना रहे हैं, परचेज का, और अंडर के अंदर रखेंगे परचेज अकाउंट्स। और यहाँ से हम लोग GST अल्टर डिटेल्स को ऐड करेंगे और यहाँ पर हम लोग गुड्स डिस्क्रिप्शन में गुड्स ही रखेंगे। और यहाँ से हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, यहाँ से टैक्सेबल की बात करते हैं और यहाँ से 18% ले रहे हैं। 18% लेके हम लोग यहाँ से गुड्स को लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद एक सेल्स रखेंगे, सेल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे सेल्स अकाउंट्स के अंदर रखेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स के अंदर हम लोग रख रहे हैं, सेल्स अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए GST एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से इसको भी हम लोग क्या कर देंगे गुड्स के अंदर ही रख रहे हैं, गुड्स के अंदर रख रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ से भी हम लोग क्या कर रहे हैं 18% इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारी सारी लेजर्स है, अब क्या हो गई हमारी कंप्लीट बन गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं कैपिटल कैरिंग कॉस्ट CGST गुड्स एड्स IGST परचेज सैलरी सेल्स SC ST, ये हमारी सारी चीज़ एंटर होगी। अब हम लोग चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है अकाउंटिंग वाउचर्स के लेकर। तो अकाउंटिंग वाउचर्स को हम लोग सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और प्रेस इंटर करेंगे। और हमारी सबसे पहला चीज़ मेन जो हमारा काम है वो रिसिप्ट एंट्री का होगा। रिसिप्ट एंट्री पे आप क्लिक ऑन कीजिए, वहाँ से आप कैश को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कैपिटल को सिलेक्ट करते हुए आपने जो बिजनेस में स्टार्ट किया है उस पर आप इनपुट कर दें। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 रुपया लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 50,000 रुपया इनपुट कर दिया। अब दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि मैंने 50,000 रुपया बिजनेस लेकर स्टार्ट किया, उसके बाद हमारा काम क्या है उस 50,000 से हमारा कोई सामान उसको खरीदना, खरीदने के लिए हम लोग परचेज अकाउंट्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से F9 को प्रेस करते हुए यहाँ पे सबसे पहले पार्टी का नाम देख लेते हैं कि हम क्या चीज़ सेलेक्ट किए हैं। तो हम पार्टी से कैश में ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करते हुए हम लोग और यहाँ से हम लोग SC सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करते हुए हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग परचेज अंडर अकाउंट परचेज ही रखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एंड ऑफ लिस्ट लाकर नेक्स्ट वाले कॉलम में गुड्स लेंगे। और गुड्स जो है 15,000 में हमने खरीद किया। अब यहाँ पे IGST को हम दे रहे हैं, उसके बाद CGST को हम दे रहे हैं, यहाँ पे CGST एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसकी वजह हम लोग थोड़ा चेक कर लें कि अगर हम गुड्स के समय IGST अगर नहीं दिए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री के अंदर हम लोग मेजर्स ऑफ यूनिट्स पहले बना लें, मेजर ऑफ यूनिट में पीसेस दे देते हैं। और पीसेस देने के बाद हम लोग क्या करेंगे स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम में सबसे पहला चीज़ स्टॉक हमारा क्या है गुड्स का है, तो गुड्स के अंदर हम लोग पीसेस को अंदर रख के यहाँ से अल्टर GST सेट को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे
टैक्सेबल लाकर यहाँ से 18% के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे गुड्स यहाँ से लोग एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, और एक होगा गुड्स एस, सेम पीसेस अंडर लाकर यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे 18, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एस करते हुए यहाँ से हम लोग ऑन वैल्यू टैक्सेबल लेते हैं, 18% में हम डाल दे रहे हैं। डालने के बाद अब आपकी एंट्री आराम से इजी हो जाएगी। हम लोग चलते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, और F9 की हुई थी, F9 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं, यहाँ से SC ले रहे हैं, SC का हमारा डिटेल्स खुल गया, यहाँ से हम लोग परचेज रख रहे हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, और क्वांटिटी एक पीस दे रहे हैं, यहाँ से 15,000 रुपये हम लोग एक्सेप्ट करा रहे हैं। यहाँ पे IGST एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे IGST दे सकते हैं, CGST हमारा यहाँ से होगा, CGST ऑटोमेटिक खुल गया, SGST देख लीजिए, SGST भी हमारा यहाँ से खुल गया। आप देख रहे हैं हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। दूसरी जो है हमारा F5 पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा कैरिंग कॉस्ट था, F5 कैश को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कैरिंग कॉस्ट हमारा 1000 था, यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद हम सेल्स की बात करेंगे, सेल्स में हम जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कैश में ही कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए जो बायर जगह है, बायर जगह में SD हम दे देंगे, तो हमारा जिससे हमारा सेल हो रहा है उसको हम कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे सेल्स अंडर अकाउंट सेल्स ही रख रहे हैं, यहाँ पे गुड्स जो है रख रहे हैं, और वन पीस सेल्स कर रहे हैं 18,000 में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं देखें, यहाँ पे IGST दे देते हैं, उसी प्रकार हम लोग CGST को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक CGST हो गया, SGST सेलेक्ट कर लेते हैं, SGST भी हमारा ऑटोमेटिक आ गया, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारी एक एंट्री बच जाती है पेमेंट का, तो हम लोग पेमेंट में क्लियर करेंगे, वहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सैलरी हम लोग करेंगे, सैलरी के अंदर हम लोग क्लिक करके जो सैलरी है वो हम लोग इनपुट कर देंगे अमाउंट, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपकी सारी मैथ कंप्लीट हो गई। अब हम लोग एस्केप करते हुए हम लोग सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट्स देखेंगे। बैलेंस शीट्स के अंदर हम लोग ऑल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे, या यहाँ से हम लोग F1 को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट हमारा 50,000 रुपया है, और करेंट अकाउंट से 51,550 रुपये। यहाँ पे देखिए हमारा करेंट लाइबिलिटीज़ जो है GST का जो है 540 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस भी है, प्रॉफिट लॉस में भी आप देख सकते हैं कि हमने सामान कितना खरीदा, कितना टैक्स देना पड़ा, और GST इनपुट GST निकालने के लिए हमको डिस्प्ले के अंदर जाना है, और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, स्टेशनरी रिपोर्ट्स के अंदर GST है, और GST R2 भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो रेट यहाँ पे है, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, GST R1 एंड GST R2 या GST R3 भी देख सकते हैं, सारी डिटेल्स खुल जाएगी यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करते हुए आप सारी इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। जिन बच्चों को आपको अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.alishafoundations.co.in के साथ, और हमारे फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं, आप लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं, मात्र 999 रुपये में आप Tele ERP 9 या Tele Prime कर सकते हैं विथ GST के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तब तक के लिए दीजिए सांसर को इजाज़त, खुश रहे आपका परिवार, दुआ में याद रखिए आपका सांसर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।